नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ में भाजपा के निरहुआ और समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव के बीच बसपा ने महिला प्रत्याशी सबिया अंसारी को टिकट देकर चुनाव में रोचक बना दिया है। वह टिकट मिलने के बाद सबिया अंसारी जहां बसपा प्रमुख मायावती को धन्यवाद दे रही हैं, वहीं लोकल होने का दम भरते हुए जीत का दावा भी कर रही हैं। नगर के पहाड़पुर स्थित आवास पर मीडिया से बातचीत करते हुए बसपा प्रत्याशी सबिया अंसारी बसपा प्रमुख को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्होंने आजमगढ़ की एक ऐसी महिला को चुना है जो यहाँ की निवासिनी है और सामाजिक कार्य करती है। उन्होंने कहा कि वह अपने आप में ही एक बहुत बड़ा मुद्दा है। आजमगढ़ की जनता पढ़ी लिखी और क्रांतिकारी धरती की है। 48 वर्ष बाद इस हॉट सीट पर एक मुस्लिम महिला उतारी गई है। आजमगढ़ की जनता बहुत समझदार है, वे इस फैसले का विश्वास पर खरी उतरेगी। सबिया अंसारी ने कहा कि वह एक सोशल वर्कर है। वह काम उस समय की कर रही है जब कोरोना काल में कोई बाहर नहीं निकलता था, तब वह लोगों के बीच काम करती थी। उस समय फिजिकल व जो उनकी सामर्थ्य थी, उन्होंने लोगों की मदद की और लोगों की सेवा करने का काम किया। उन्होंने कहा कि एक मुस्लिम महिला का बाहर निकलकर काम की हूँ और इसका मुझे पहले भी प्यार दुलार मिलता था और आज भी मुझे इतना अपार प्यार दुलार मिल रहा है कि मैं उसको समेट नहीं पा रही हूँ। उन्होंने कहा कि मेरा चुनाव लड़ने का अभी कोई इरादा नहीं था। वे कांग्रेस में थी और विधानसभा चुनाव लड़ने की सोच रही थी, लेकिन बहन जी ने यह ऐतिहासिक फैसला करके मुझे जो यह अवसर प्रदान किया है, उसको कहा है कि वह बुनकर समाज की बेटी है। आजादी के बाद यह पहला अवसर है कि एक बुनकर बेटी इतना बड़ा पार्लियामेंट का चुनाव लड़ रही है। यह ऐतिहासिक चीज है और जनता अपनी इस बेटी की आवाज को बुलंद करने के लिए पार्लियामेंट भेजेगी। मैम, सबसे पहले तो बसपा ने आप पे विश्वास जताया है, इसलिए आपका बहुत बहुत हम लोग बधाई देते हैं। किस तरह से तैयारियां चल रही हैं और क्या मुद्दे होंगे आपके, जो बसपा में आप आजमगढ़ की प्रत्याशी हैं बतौर, तो किस तरह से क्या मुद्दे होंगे आपके? सबसे पहले तो मैं बहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने आजमगढ़ की एक ऐसी महिला को चुना है जो यहाँ की निवासिनी है और सोशल एक्टिविस्ट रही है। तो मैं आजमगढ़ के लोगों की तरफ से, अपने लोगों की तरफ से बहन जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हुए मैं आपको बता दूं कि हम अपने आप में ही एक बड़ा मुद्दा है चुनाव लड़ने के लिए। एक मुस्लिम महिला प्रत्याशी है जो यहाँ की सदर की लोकल निवासिनी है, तो ये अपने आप में ही एक बड़ा मुद्दा है। जहाँ तक एक तरफ विपक्ष अपक्ष है, तो ऐसे में आपको, आप अपने को किस तरह से, किन मुद्दों पर लोगों के सामने जा रही हैं? लोगों के अलग अलग मुद्दे हैं, एक लोग की तरफ बेरोजगारी है, एक तरफ स्वरोजगार की बात हो रही है, आपके क्या मुद्दे हैं? युवाओं में किस तरह का प्रभाव है? देखिए, हम आपको बता दें कि आजमगढ़ की जनता जो है पढ़ी लिखी जनता है, क्रांतिकारी धरती है, ऐतिहासिक लोग हैं। तो ये जो बहन जी ने जो फैसला लिया है, अपने आप में एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला है और ये हमारे लिए, हमारे लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आज 48 ईयर्स बाद एक मुस्लिम महिला प्रत्याशी आजमगढ़ की इतनी हॉट सीट पे उतारी गई है, तो ये अपने आप में ही एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला है और आजमगढ़ की जनता बहुत समझदार है, वो इस फैसले को, इस विश्वास पे खरी उतरेगी। लोगों से किस तरह की अपील की जा रही है? आप जब अपने वोटरों के पास जा रही हैं और लोगों के पास जा रही हैं, तो उनका क्या रुझान मिल रहा है, किस तरह से आपका सहयोग कर रहे हैं? हम तो पहले से भी सोशल एक्टिविस्ट रहे, हर तरह से लोगों के अंदर जागरूकता पैदा करना। आप हमारा पिछला रिकॉर्ड देखेंगे तो किस तरह से कोरोना काल में मैंने बाहर निकल कर काम किया, जब लोग घरों के अंदर हुआ करते थे। मेरी जो भी सामर्थ्य थी, चाहे वो आर्थिक स्थिति से हो, चाहे फिजिकल, जो भी था मेरे पास, मैंने उसको समाज के लिए लगाया और समाज की सेवा करना ही मेरा परम कर्तव्य है। और ये बात जनता समझ रही है। उन्होंने मुझे काम करते हुए, मैं बाहर निकल कर, एक महिला, जहाँ तक लोग मुस्लिम महिलाओं की बात करते हैं, तो मैं एक मुस्लिम महिला होते हुए भी बाहर निकल कर काम की हूँ, तो इसका मुझे जो पहले भी प्यार दुलार मिलता था लोगों का,
और आज तो इतना अपार मिल रहा है कि मैं उसको समेट नहीं पा रही हूँ। मैं आदमगढ़ की जनता का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपनी इस बेटी को जो दुलार दिया है। बहुत दिन तो हुआ नहीं, पहली मेरी तो ऐसी कोई तैयारी नहीं थी कि मैं चुनाव लड़ूँ। मैं कांग्रेस में थी और मैं विधानसभा की तैयारी कर रही थी, लेकिन मैं वंचित रह गई इस बार, ये मुझे अवसर नहीं मिल पाया। लेकिन जो ये बहन जी ने ऐतिहासिक फैसला देकर जो मुझे ये अवसर प्रदान किया है, पहले बात मैं बता दूं कि मैं एक बुनकर समाज की बेटी हूं और आज़ादी के बाद ये पहला मौका है, ये पहला अवसर है कि जो बुनकर की बेटी इतना बड़ा पार्लियामेंट्री चुनाव लड़ रही है, तो ये अपने आप में बहुत ऐतिहासिक चीज़ है। और जनता इस बात को स्वीकार करते हुए अपनी इस बेटी को, अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए पार्लियामेंट में भेजने का काम करेगी। धन्यवाद। अच्छा, इस तरह से दो बड़े चेहरे हैं, एक तरफ सांसद निरहुआ हैं, दूसरी तरफ पूर्व सांसद धर्मेंद्र यादव जी हैं, तो क्या लगता है दोनों बड़े चेहरों के बीच ये लोकल को जनता कितना पसंद करेंगे? देखिए, चैलेंजेस हर दौर में होते हैं, चैलेंजेस से हमें कोई घबराहट नहीं है। हम अपने आप में एक बहुत बड़ा चेहरा है, हमें इसमें हमारी आधी आबादी आधा हक, ये हमारे लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। और अगर हम पार्लियामेंट में जाएंगे तो हमारी जैसी साधारण बहन बेटियां जो आज के दौर हर फील्ड में काम तो कर रही हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, हर फील्ड में महिलाएं उतर चुकी हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हमारे समाज की महिला अगर पार्लियामेंट के अंदर जा रही है तो ये इतना बड़ा मुद्दा है कि हमारी आधी आबादी आधा हक की आवाज़ बुलंद हो जाएगी। और हमारे लिए कोई इससे बढ़कर चुनाव, हम सबसे मजबूत प्रत्याशी हैं। अच्छा, जिस तरह से आप चुनाव प्रचार में जा रही हैं, अभी आपने आधी आबादी आधी महिलाओं की बात की, तो महिलाओं से मिल रहे हैं तो किस तरह से उनका रुझान आ रहा है और किस तरह से आप बात कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है? देखिए, महिला से मिलने बाद मैं तो सीधे अंदर चली जाती हूँ महिलाओं से मिलने के लिए, ये इतना बड़ा बेनिफिट है। कहीं भी घुस जाती हूँ, किसी के भी घर में घुस जाती हूँ तो सारी बहन बेटियाँ अपने मुझे गले से लगाती हैं और मुझे आशीर्वाद देती हैं कि वाकई में कि आप मेहनत कर रही, अगर बाहर एक महिला निकल कर हमारे लिए लड़ाई लड़ रही है तो वो हमें आशीर्वाद पूरी तरह से अपना प्यार दुलार दे रही हैं। बेरोजगारी महंगाई की बात विपक्ष हमेशा उठा रहा है, आपको क्या लगता है इन मुद्दों पर भी वोट पड़ना चाहिए या ये मुद्दे होंगे चुनाव में? बिल्कुल, बेरोजगारी तो एक बड़ी समस्या है, ये तो है ही है। तो हमारा जो मानना है, ये जो आज़मगढ़ की बहन जी ने ये फैसला लेकर अपने आप में एक नया निराला फैसला, ये अनोखा फैसला है। इसे महिलाओं के सशक्तिकरण की जो लोग बात करते थे, महिलाओं के हक की बात करते थे, तो ये अपने आप में ही एक हक मिला है। अच्छा, जिस तरह से आज़मगढ़ की अगर सदस्य विधानसभा सीट की बात की जाए तो ये हॉट सीट मानी जाती है और यहाँ पे MY फैक्टर बहुत हावी रहता है, तो इसको लेके आप किस तरह से देख रहे हैं MY फैक्टर? इस बार धर्मेंद्र जी कह रहे हैं कि हमारे साथ है, क्योंकि गुड्डू जमाली जी इतने बड़े नेता थे, हमारे साथ आ गए हैं। इसलिए देखिए, MY फैक्टर इनका, आप MY फैक्टर से क्या समझ रहे हैं आप हमें बताएं? मुस्लिम यादव, लेकिन उन्होंने अभी MY फैक्टर का मतलब बदल दिया है, ठीक है? तो MY फैक्टर अब आप जानते हैं कि बसपा का एक सॉलिड वोट है, इसमें कोई दो छुपी बात नहीं है। और जिस समाज से मैं आती हूँ उस समाज का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, वोट बैलेंस है। तो कहीं ना कहीं आप हमारा MY समीकरण से ज़्यादा हम मजबूत हैं। माइनॉरिटी के लोग आपके साथ पूरी तरह से? बिल्कुल है, हर समाज के लोग हमारे साथ रहेंगे। हम अपना एक वोट बैंक होता है जो आप समाज, जिस समाज से होते हैं, ये बिल्कुल बिल्कुल हमें बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। धन्यवाद। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।